व्हाट्स अप गाइस, प्रीतेश मिश्रा हियर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि जो आपका जो पाइथन का बॉट है जो कि आपने बनाया है उसे कैपेबल कि वो कोई भी आंसर्स दे सके, तो आप वो वेबसाइट में कैसे क्या डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको इसका एक डेमो बताता हूँ। तो ये हमारा हमारी वेबसाइट जो भी हम बनाने वाले हैं, तो इस यहाँ पे लिख के आया कि व्हाट्स योर क्यूरी, एंडलर क्यूरी। तो आप इससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि वेदर इन मुंबई। तो ये अभी सर्च कर रहा है आंसर के लिए, तो इसने मुझे बता दिया है सर्च रिजल्ट फॉर वेदर इन मुंबई, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, हीट इंडेक्स बता दिया, यानी कि क्लाउड्स का पोजीशन, यानी कि क्लाउड्स कैसे हैं, ड्यू पॉइंट है, विंड स्पीड है, ये सब हमें बता दिया इसने। तो ये अभी हमने सेम चीज़ हमने की थी हमारे इस वाली वीडियो में, तो आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा इस वीडियो के लिंक, तो पहले आप इसे देखिए कि ये क्या है। और इस वीडियो में हमने बनाया था एक पाइथन बॉट जो कि हमें कोई भी सवाल के हार्ड क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, वो भी एकदम आसानी से, जैसे कि ये भी दे सकता है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे सर्च करूँ फॉर मार्स, तो ये हमारा बॉट इस केपेबल कि वो हमें जो मार्स की जो भी करंट पोजीशन है हमारे सोलर सिस्टम में वो बता देगा। तो करंट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 1.512 AU एंड 12.58 लाइट मिनट्स। और अभी हम इसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं हमारे बॉट को, जैसे कि फाइंड जी इफ जी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वेर ए इक्वल्स 100, बी इक्वल्स 200, सी इक्वल्स 300 एंड डी इक्वल्स 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो एक बॉट को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है कि ये बॉट ये क्वेश्चन सॉल्व करे। बट और मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, इसका आंसर है 602 इसका आंसर है। बट ये एक बॉट के लिए सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो देखते हैं हमारा बॉट ये सॉल्व कर पाता है कि नहीं। तो इसने इसका आंसर बता दिया जो कि है 602। तो आप देख सकते हैं 100 प्लस 200 प्लस 300, तो ये होगा 300, 400, 500 और ये 600 हो जाएगा। और 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 का आंसर होता है 2, तो हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा आंसर 602, जो कि हमारे बॉट ने आंसर दे दिया है। हम इसे बहुत कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं जो भी आपको है, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये आज की इस वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं, हम लोग जैंगो का यूज़ करेंगे और इसे बनाएंगे। तो इसने बता दिया सर्च रिजल्ट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम जानते हैं। तो अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले इसे देख लीजिए। अगर आपको इस वीडियो को सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं, और आपको मेरे वेबसाइट में जाते ही इस पूरे के पूरे जो वीडियो है हमारा उसका आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। तो ये उसका नीचे जाएंगे आप, और आप यहाँ से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी हो चुका है यहाँ पे डाउनलोड। और यहाँ पे चाहे तो आप इसे ओपन करके सीधा पेस्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने वॉल्फ्राम अल्फा और विकिपीडिया का यूज़ किया था आंसर्स लाने के लिए, क्योंकि हम खुद से आंसर्स नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास उतना डेटा नहीं है। तो जो बहुत बड़े डेटा सोर्स है हमारा विकिपीडिया, जो हमें हेल्प करेगा हमें हमारे जो यूज़र्स हमें क्वेश्चन पूछेंगे उसको आंसर करने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप खुद से एक बनाएंगे जो कि वो और वो हम लोग उससे वेबसाइट में डिप्लॉय करेंगे, तो सबके सब लोग उसे यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको उसे होस्ट करना है तो मेरा उसके लिए भी वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कि आप इसे कैसे क्या होस्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे एक वीडियो है हाउ टू होस्ट जैंगो वेबसाइट टू पाइथन एनीवेयर फॉर फ्री, तो आप फ्रीली होस्ट भी कर सकते हैं, उसका भी मेरे पास वीडियो है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम जो भी हमारे प्रोजेक्ट है हम लोग इसमें यूज़ करने वाले जैंगो। तो अगर आपको जैंगो नहीं आता है तो आप थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए, और या आपको अगर जैंगो का बेसिक्स भी आता है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा जैंगो का बेसिक्स लगेगा इस वीडियो में। तो क्योंकि हम लोग पाइथन का यूज़ करने वाले हैं, तो पाइथन के लिए जैंगो ये बेस्ट होता है वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो हम लोग तो सबसे पहला चीज़ जो हमें भी करना होगा वो है आप कोई भी अपना एक फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपको अपना ये ऐप बनाना है, और वहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाइए जिसका नाम मैं भी रखता हूँ
वेब बॉट। और यहाँ पे अभी हम हमारा जेंगो का ऐप स्टार्ट करने वाले हैं, जेंगो का प्रोजेक्ट। तो पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपने पिप इंस्टॉल जेंगो ये कर रखा है। तो अगर आपका जेंगो इंस्टॉल है तो अगर नहीं है तो आप पहले पिप इंस्टॉल जेंगो से जेंगो को इंस्टॉल कर लीजिए। तो मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और सेकेंड चीज़ अभी आपको करना है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट वेब बॉट। तो मैं इसका वेब बॉट नाम रख देता हूँ। तो इसने हमारे लिए वो बना लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा और इसे और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा जो कि होगा टेम्पलेट्स का। क्योंकि हमें, अगर आप चाहे तो आप एक ऐप ऐप बना सकते हैं और उसके अंदर आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगा टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स और इसके अंदर एक और फाइल वेब बॉट, और इसके अंदर हम हमारा रखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है और फिर आप ये वाले फोल्डर में आइए जहाँ पे आपका मैनेज डॉट पी वाई है। तो जहाँ पे भी आपका मैनेज डॉट पी वाई होगा आप उसे ओपन विथ कोड कर कीजिए, वो वाला जो फोल्डर है। तो जब तक ये ओपन हो रहा तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी ये वेबसाइट है जो जिसमें मैंने बहुत सारे यहाँ पे आप ब्लॉग बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सॉरी। और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के रखे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो आप यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे भी वेलकम स्क्रीन, और यहाँ पे भी हम आएंगे और ओपन करेंगे यूआरएल्स डॉट पी वाई। तो यूआरएल्स डॉट पी वाई में आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको हमारा टेम्पलेट को करेंगे जिससे वो हमारा जो वेब पेज है वो रेंडर हो सके। अगर आपको जेंगो अगर आता है तो आप थोड़ा आगे स्किप कर दीजिए और ये वाला पार्ट आप, नहीं तो आप देखिए ये पूरा पार्ट जो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा व्यूज डॉट पी वाई, और मैं एंटर करता हूँ अभी। और यहाँ पे अभी हम लिखेंगे, और यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे करना होगा, और इसे अभी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हमारे व्यूज़ को फ्रॉम डॉट, यानी कि फ्रॉम डॉट मतलब जो करंट डायरेक्टली है उससे इंपोर्ट कर लीजिए व्यूज़ को। और यहाँ पे व्यूज़ डॉट इंडेक्स और इसका नेम इंडेक्स। और यहाँ पे अभी हम एक और यहाँ पे करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर। तो ये कोई तो लगता है अभी ये लोड हो रहा है, इसका इंटेलिजेंस वगैरह सब भी लोड होगा। इसके लिए बता रहा है अनरिजॉल्व इम्पोर्ट और फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ इंडेक्स, और उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि रिक्वेस्ट। तो अगर आपको अगर जेंगो का बेसिक्स आता है तो अभी आपको ये सब समझ रहा होगा, नहीं तो आप थोड़ा जेंगो का बेसिक्स थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए फिर आपको ये एकदम अच्छे से समझने लग जाएगा। और अभी हम ये करेंगे रिटर्न रेंडर, और यहाँ पे पास करेंगे उस रिक्वेस्ट को, और हमें हम हमारे टेम्पलेट का नाम देंगे जो कि है वेब बॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम। तो अभी हम अभी जस्ट हमने एक टेम्पलेट्स करके फाइल बनाया था, उसके अंदर हम लोग बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम और एंटर। तो ये हो गया हमारा। तो अभी हमें जाएंगो के सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाना होगा, और वहाँ पे हम हमारा टेम्पलेट रजिस्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा देखो डायरेक्टरीज, और उसके अंदर लिख दे टेम्पलेट्स, क्योंकि सिर्फ टेम्पलेट सीखना है अभी हमको यहाँ पे, क्योंकि हम जो डायरेक्टली में काम कर रहे हैं हमारे उस डायरेक्टली के अंदर ही हमारा टेम्पलेट फोल्डर है। तो टेम्पलेट्स, तो नाम एकदम प्रॉपर लिखे टेम्पलेट्स, तो मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स तो सब प्रॉपर है। और अभी हम क्या करते हैं, मैनेज डॉट पी वाई से हम हमारा सर्वर रन करते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, अगर कोई एरर वगैरह आएगा तो हम उसे ठीक करेंगे। तो सर्वर रन हो चुका है, तो
हाँ उसने लोड कर दिया क्योंकि हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कुछ है ही नहीं जो कि वो दिखाए। तो अभी हम क्या करने वाले कि हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का मदद लेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फटक से इन लोग का जो स्टार्टर टेम्पलेट होगा गेटिंग स्टार्टेड में, स्टार्टर टेम्पलेट इसे कॉपी कर लीजिए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये मैं प्रोजेक्ट या तो गिटहब पे या मेरे वेबसाइट से आप इस पूरे के पूरा जो ये फोल्डर है आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और पूरा सीख लीजिए। और अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसे वो करता हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है। जो हमने अभी लिखा था H1 टैग में हेलो वर्ल्ड, इसने भी यहाँ पे दिखा दिया हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग एक मस्त सा पहले ऊपर एक नेविगेशन बार लगाएंगे। तो हम लोग इसके कंपोनेंट्स में जाएंगे, नेव बार में जाएंगे, और जो ये नेविगेशन बार है हम इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे जैसे हमने रीलोड करेंगे हमें यहाँ पे नेविगेशन बार दिख रहा है। बट वी आर प्रोग्रामर्स, हमें डार्क अच्छा लगता है तो हम इसे लाइट के जगह डार्क कर देंगे, नेव बार डार्क। और जैसे मैं रीलोड करूँगा आपको एक नेविगेशन बार दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और आप चाहे तो इसके फ़ोन्स वगैरह भी बदल सकते हैं जैसे आपका आपको जैसी आपकी वेबसाइट चाहिए। और इसके बाद हम एक फॉर्म लगाएंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे करेंगे एक फॉर्म लगाएंगे और उसमें यूज़र, जैसे कि हम गूगल में करते हैं कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पे एंटर करते हैं और हम उसे फिर हम एक गेट रिक्वेस्ट मार के वो जो जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो हम हमारे पास लाएंगे और उसका रिजल्ट दिखाएंगे। तो उसको पॉसिबल करने के लिए हमें एक पहले तो हम एक फॉर्म लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फॉर्म का है फॉर्म, तो ये हमें मुझे यहाँ पे फॉर्म्स मिल गया। ये तो मैं क्या करता हूँ इसे पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। क्योंकि जो बूटस्ट्रैप से कोई भी वेबसाइट बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली मोबाइल फ्रेंडली हो जाता है। तो अभी आपको मोबाइल फ्रेंडली लुक से बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बूटस्ट्रैप से बना रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा। तो ईमेल एड्रेस की जगह हम यहाँ पे एंटर करते हैं व्हाट्स योर क्यूरी और यहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह एंटर योर क्यूरी। तो ये मुझे थोड़ा वर्ड अच्छा लगा, एंटर योर क्यूरी। तो एंटर योर क्यूरी और इसका टाइप रखेंगे हम टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल, ईमेल हेल्प एरिया, इसे हम हटा देंगे। और यहाँ पे हम एक इसको बटन रखेंगे जिसका टाइप है सबमिट, और यहाँ पे सबमिट की जगह हम कर देंगे इसे सर्च। और इस फॉर्म में एक्शन करेंगे एक्शन। तो अभी वो पहले एक बार इसे रीलोड करके देख लेता हूँ मैं। तो ये अभी हो गया, यहाँ पे ये आ चुका है। तो अभी मैं इसे क्या करता हूँ, इसे डॉट कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ, डॉट डॉट कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर डालेंगे तो थोड़ा एक कंटेनर के अंदर आ जाएगा। और थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइल पैडिंग टॉप। तो लगता है कैप्स लॉक दब गया। तो ऊपर भी हमें एक मस्त ऊपर वो पैडिंग मिल गया है। और इस थोड़ा सा बटन को चेंज करेंगे, बटन आउटर। अगर आपको बूटस्ट्रैप भी थोड़ा आना चाहिए जिससे हेल्प होगा, तो मैं जो भी मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ मैं वो बूटस्ट्रैप से बनाता हूँ। इसके लिए मुझे जितने भी वो क्लासेस हैं वो सब मुझे याद हो गए हैं। तो आप उनके वेबसाइट में जाके यहाँ से उनको जो उनने पूरा उनका डॉक्यूमेंटेशन है आप उसे सीख सकते हैं और आप उसे याद कर लीजिए। तो मैं इसे रीलोड करता हूँ तो ये हो जाएगा आउटलाइन उसका, वो हो जाएगा व्हाट्स योर क्यूरी। और ये व्हाट्स योर क्यूरी की जगह यहाँ पे हम थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइलिंग फ़ॉन्ट साइज HTML और CSS मेरे ख्याल से सबको ही आता है, 2.5 CH। तो ये फटाफट जो चीज़ें मैं वो कर लिया हूँ, जैसे कि ये जो CSS HTML CSS। आप चाहे तो इसका ऑपोजिट कुछ दूसरा लुक भी दे सकते हैं, इसका इनफाइनाइट है, आपको जो भी जैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। नेविगेशन बार जो आपके वेबसाइट से आप उसे यहाँ पे लगा दीजिए, जो लिंक है ड्रॉप डाउन है आप उसे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो व्हाट्स योर क्यूरी दिख रहा है यहाँ पे, सर्च है हमारा। और यहाँ पे क्या करता हूँ,
पैडिंग बॉटम दे देता हूँ, पैडिंग बॉटम, थोड़ा सा पैडिंग बॉटम, तो ये हो गया प्रॉपर, हो गया एकदम। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और अभी दूसरा बात, तो अभी हम यहाँ पे एक सर्च रिक्वेस्ट मारेंगे, अभी हम इसे यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, तो वीडियो चल रहा है ना। हाँ तो और एक एक्शन करेंगे जो कि होगा, हम एक एक यूआरएल बना लेंगे जिससे हम उसे वहाँ पे करेंगे, जैसे कि पाथ यहाँ पे उसका नाम रखते हैं बॉट, बॉट सर्च, और इसको रख देंगे व्यूज डॉट, उसका भी नाम सेम बॉट सर्च, तो इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बॉट सर्च नेम, और व्यूज में जाके एक फंक्शन बनाऊंगा, इसे कॉपी कर लेता हूँ, और सेम नाम का फंक्शन बनाऊंगा बॉट सर्च, वेब बॉट, और इसे हमें, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम टू सेम हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज रेंडर करेंगे इस बॉट सर्च में जाने के बाद। और तो चलिए एक बार देखते कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ, फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन की जगह बॉट सर्च, और मेथड गेट, गेट रखते हैं मेथड को, और इसे रीलोड करता हूँ। और हमें वहाँ पे एक और चीज़ चेंज करना पड़ेगा, जो कि व्यूज़ में जाके यहाँ पे हम लिखेंगे, और हमें क्या चाहिए, हम जो यूज़र जो इस डब्बे में, जो हमें ये डब्बा है यहाँ पे, जो भी एंटर करता है इस डब्बे में, हमको वो चाहिए जो भी यूज़र एंटर करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक नेम दे देंगे, ये जो है ना वो इनपुट एरिया, उसको नेम देखते हैं, QUERY, क्यूरी, और यहाँ पे क्या करेंगे उसे ले लेंगे, तो क्यूरी इक्वल्स क्या था, मेथड, मेथड मेथड डॉट गेट, शायद से यही था, अगर कुछ दूसरा रहा तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, तो शायद ये नहीं है मेथड करके, तो सॉरी यहाँ पे था रिक्वेस्ट डॉट गेट, डॉट गेट क्यूरी, जो भी हमने उस डब्बे का नाम दिया था जो था क्यूरी, यहाँ पे था। तो मैं उसे रीलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो इसने मुझे एक एरर दिया है कि क्या, पेज नॉट फाउंड, गेट https कोलन बॉट सर्च क्यूरी हेलो, तो ये कुछ तो एरर दे रहा है। तो मुझे फिर से, तो हाँ तो मुझे समझ गया, हमने इस बटन के जगह यहाँ पे बटन टाइप सबमिट है, तो ये फॉर्म में जाएगा बॉट सर्च, ये बॉट सर्च हमारे यूआरएल्स में, और यहाँ पे एक ऐसा कर देते हैं, उसे रीलोड करता हूँ, और यहाँ पे हेलो, तो हो गया है क्यूरी हेलो, तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है हमारा गेट रिक्वेस्ट जो हम ले रहे हैं। तो अभी आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जो कि हमारा बॉट का होगा। तो हमें, आपने देखा था यहाँ पे, मैं अपना वेबसाइट पे जाता हूँ, और जो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया वहाँ पे, मेरे को फिर से आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा यहाँ पे, आप पहले से देखिए, क्योंकि वो जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है इस वाले वीडियो के लिए। और यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा कोड है, आपको इसे कॉपी करना होगा, और ओ ओ सॉरी, तो इसको ओपन फाइल करता हूँ, और इसे पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, बट यहाँ पे आता है हमारा सबसे मेन फंक्शन, जो कि काम करने वाला है सर्च का। तो यहाँ पे पूरा मैंने पेस्ट कर दिया है, तो हाँ, और यहाँ पे जो जितने भी इम्पोर्ट्स हैं इसे सबसे ऊपर डाल देता हूँ, कंट्रोल वी, और लगता है इसने ये इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो अभी ये प्रॉपर है। और अभी हम वेबसाइट के लिए बना रहे, तो हमें वॉइस की ज़रूरत नहीं है कि वो स्पीक करे, और वो वैसे भी कर भी नहीं पाएगा, तो ये स्पीक फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, और ये टेक कमांड को भी, और इफ नेम इक्वल्स मेन, इसको रहने देता हूँ,
वाइल्ड ट्रू, वाइल्ड ट्रू, वाइल्ड ट्रू की अभी जरूरत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मैंने इसे पहले भी एक जगह लिखा है, वैसे मैं इसे अभी भी कर सकता हूँ। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी इस पे एक ट्रिक है, इसको आप यहाँ पे ऑल्ट दबा सकते हैं, जिससे मल्टीपल कर्सर्स बन जाएंगे, और जितने भी आपको स्पीक फंक्शंस है ना, ये सब आपको हटाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट ये जो है मैं उसे प्रॉपर कर देता हूँ। तो वो जितने भी इंडेंटेशंस थे सब थे, वो मैंने सबका सब कुछ प्रॉपर कर दिया है अब यहाँ पे, और हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट्स को। यहाँ पे मैं सब इसे, ये जितने भी प्रिंट फंक्शन है इन्हें हटा देता हूँ, नहीं तो वो टर्मिनल में उसे प्रिंट करता जाएगा। और दूसरी बात है यहाँ पे कमांड डॉट लोअर, ये भी हमें नहीं चाहिए। देखिए जो भी हमारे, हमने इसको पिछले वीडियो में किया था, हम खुद कर लेते क्यूरी इक्वल्स कमांड डॉट लोअर, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का क्यूरी है, जो अभी हम उस डब्बे से ले रहे हैं हमारे वेबसाइट के। यहाँ पे इसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, और ट्राई, ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है। और अभी, और हमने उस वीडियो में क्या किया था कि हम अगर वो अगर कोई भी जो यूज़र है अगर वो सैम बोले तो ही हम उसे रिजल्ट रिजल्ट बता देते, बट अभी जो भी कोई भी यूज़र सर्च कर रहा है तो भी ये मैंडेटरी नहीं है कि वो ये उसका नाम ले, जैसे कि सैम करके। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे इसे हटा देते हैं और इसके इंडेंटेशन प्रॉपर कर देते हैं। तो ये प्रॉपर हो चुका है, बार बार मैं एक ही मिस्टेक कर रहा हूँ। और ये ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक है, तो यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग, पहले हम लोग को आंसर लाने का कोशिश करेंगे वॉलफ्राम अल्फा से, फिर अगर वॉलफ्राम अल्फा के पास उसका आंसर नहीं हुआ तो वो तो फिर हम जाएंगे विकिपीडिया के पास, और इस बार हम विकिपीडिया को सिर्फ 2 सेंटेंस नहीं 10 सेंटेंसेस प्रिंट करने को बोलेंगे, और फिर एक्सेप्ट करेंगे। अगर फिर अगर नहीं हुआ तो अभी हम कोई भी इसको हटा देता हूँ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अभी हम क्या करेंगे, तो जितने भी रिप्लेस है मैं उसे हटा देता हूँ, क्योंकि अभी सैम ही नहीं है तो अभी उसको उसको रखे कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे अभी आपको, अगर आपको नहीं मालूम है, तो वॉल्फ्राम अल्फा एक कॉम्पिटिशनल सर्च इंजन है जो हमें आंसर्स देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये वो। तो आप जा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माई एप्स में जाके आप बना सकते हैं, आप खुद का एक API की ले सकते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए। तो इस वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो पहले ये देख लीजिए, इसमें मैंने सब आपको बता के रखा है। तो उसका हम यहाँ पे API की रखेंगे, तो इसके अंदर। और यहाँ पे हम करेंगे कि अगर यहाँ पे ANS यानी कि जो हमारा आंसर है वो रहेगा, तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये ANS है इसे हम भेजेंगे हमारे index.html के पास, कि वो इसे हमारे वेब पेज पे शो करें। तो उसका बहुत ही ज़्यादा ईजी है, रिटर्न। तो हमें यहाँ से ये वाला कमांड हम हटा देंगे, रिटर्न रेंडर वाला। तो ओह सॉरी, मैं इसे ना कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट, तो चीज़ बहुत ज़्यादा मेसी हो गई है। और इसका, इस वेरिएबल का भी नाम मैं वही रख देता हूँ, तो मुझे कुछ तो एरर दे रहा है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ मुझे ही नहीं समझ रहा है। 2 मिनट खाली, फिर मैं इसे सब क्लियर कर दूंगा। और अगर कुछ भी नहीं मिला तो हम बोलेंगे उसको फाउंड नथिंग, फाउंड नोथिंग, और सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे रिटर्न रेंडर वेब बॉट। और अभी हम क्या करेंगे, से रिटर्न रेंडर तो करेंगे, साथ ही साथ हम लोग हमारे हम सब सबको मालूम है कि हम वो ANS को भेज देंगे हमारे index.html में ANS करके। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओ, तो ये क्या हो रहा है आज मालूम नहीं चल रहा है मुझको, यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो हो गया है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाना मैं भूल गया था। तो ये हो गया सब प्रॉपर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी आंसर होगा वो हम भेजेंगे, भेजने वाले हमारे index.html पे। तो index.html में अभी हम क्या करेंगे, इस DIY के अंदर यहाँ पे करेंगे
इफ ए एन एस, यानी कि अगर ए एन एस करके कुछ भी आता है तो यहाँ पे आपको वो जो आंसर है उसे प्रिंट करना है। तो हम लोग दो दो टेम्पलेट्स ना बनाते हुए एक ही टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं हमारी इसको इसे पॉसिबल करने के लिए। और ये जिंजर टेम्पलेटिंग है, इसे इफ आंसर और एंड इफ। तो हम लोग एच फुल टैग में लिखेंगे हमारा ए एन एस, जो कि हमारा होगा आंसर। तो देखते हैं अभी हम लोग एक बार कि ये जो ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या करना होगा आपको, आपका एपीआई की डालना होगा जो कि आप अभी डाल सकते हैं। आप वॉलफॉर्म अल्फा में आपको साइन इन करना होगा और आपको वहाँ से आपका एपीआई की मिल जाएगा। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ और अपना असली एपीआई की यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपना असली एपीआई की डाल दिया है। और मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से जाता हूँ हमारे मेन वेब पेज पे। और यहाँ पे अभी हम सर्च करके देखते हैं कोई एरर वगैरह आएगा तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एंटर योर क्यूरी, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइथन, मैंने एंटर किया तो ये मुझे कुछ तो एरर दे रहा है। वैल्यू एरर एट बॉट सर्च द व्यू बॉट डॉट व्यूज बॉट सर्च यू नॉट रिटर्न एनी एचटीटीपी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इट रिटर्न नन इंस्टेड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि वो नन दे रहा है, तो अभी हमें उसे सॉल्व लेना है। तो मैंने वहाँ पे अपना असली एपीआई की डाल दिया। तो अभी हम फिर से ट्राई करते हैं सेम चीज़। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और सर्च करूँगा वेदर इन मुंबई, तो मैं एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो ये सर्च कर रहा है, तो इसने मुझे आंसर बता दिया है कि टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, हीट इंडेक्स वगैरह सब बता दिया है। और अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मार्स, मुझे मार्स का पोजीशन जानना है कि अभी सोलर सिस्टम में मार्स कहाँ है, तो वो ये मुझे वो भी बताएगा। तो उसने बता दे करेंट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज दिस मच एंड डैट। तो अभी हम सर्च करते कोई तो मूवी के बारे में। तो अभी मुझे एक ही मूवी आ रही है, तो द मैट्रिक्स मूवी है, तो मैं उसे सर्च करता हूँ यहाँ पे और देखते कि हमें आंसर आंसर क्या मिलता है। तो इसने पूरा बता दिया है कि द मैट्रिक्स सॉरी इज ए 1999 साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जो भी लिखा है। तो इसने सब बता दिया, तो हमारा बॉट एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो ये मैंने, तो अभी हमें क्या करते हैं कि हम इसे थोड़ा और ज़्यादा कस्टमाइज़ करते हैं। मैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि ये, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक और चीज़ लूँगा जो कि है क्यूरी, यानी कि जो हमारा यूज़र ने जो क्यूरी एंट्री की थी वो क्या है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके साथ क्यूरी को भी भेज दूंगा मैं वहाँ पे। ओह सॉरी, मैंने कुछ तो रखता गड़बड़ कर दिए फिर से। आज विजुअल स्टूडियो कोड मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, मम्मी ने क्या हो गया है आज कुछ तो। क्यूरी, तो मैं यहाँ पे इसे एंटर लेता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, इसे हर जगह पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी, और फिर क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा कि एच फोर टैग में लिखता हूँ सर्च रिजल्ट फॉर, सर्च रिजल्ट फॉर क्यूरी, QUERY, जो भी हमें हमने वहाँ से अभी मंगाया है हमारी क्यूरी को। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ, स्टाइलिंग कलर कर देता हूँ इसका डार्क ग्रे। तो मैंने इसे पहले भी बनाया था, इसके लिए मुझे जो भी मैंने कलर्स दिए थे मुझे सब याद है। तो और मिल गया यहाँ पे कलर डार्क ग्रे। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से इसे रिलोड करता हूँ। वो लगता है सर्वर बंद हो गया, इनवैलिड सिंटैक्स। ओ ANS, मैंने छोटी सी गलती कर दी थी, मैं फिर से रीलोड करता हूँ। तो अभी सर्च कर रहा होगा शायद से वो, और इसने मुझे बता दिया सर्च रिजल्ट फॉर मैट्रिक्स, यानी कि अभी हम एकदम प्रोफेशनल हो गए इसमें और अभी हम सब कुछ बता सकते हैं हमारे इसको सर्च रिजल्ट फॉर मैट्रिक्स। और एक और चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप दे देता हूँ, पैडिंग टॉप 2%। और यहाँ पे स्टाइलिंग दे देता हूँ, स्टाइल पैडिंग टॉप 2%, तो कैसा थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हो चुका सब प्रॉपर, फिर से रीलोड करता हूँ और प्रॉपर नाउ इट्स लुकिंग वेरी परफेक्ट। और सब कुछ हो चुका है और इसने सब बता दिया है मुझे।
मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये पूरा बन चुका है, यानी कि अब और अभी आप जानते नहीं है कि ये क्या क्या चीज़ें आपको बता सकता है, क्योंकि वॉलफ्राम अल्फर विकिपीडिया ये बहुत ही बड़े बड़े डेटा सोर्सेस है जहाँ से अभी हम जो हमारे इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आप खुद एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए और देखिए कि आपने जो खुद ने बॉट बनाया है उसे क्या क्या आता है, ये बहुत ज़्यादा वो है। तो फाइंड जी इफ जी इक्वल्स 100 डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 200 प्लस प्लस 35.5 35.2। तो अभी और ये सर्च करेगा फाइंड जी इफ, तो शायद से आंसर नहीं देगा क्योंकि मैंने अपना जब मैं इस पेज में आया था तो मैंने अपना ऐसे एपीआई की फिर से हटा दिया था, बिकॉज एपीआई की हम किसी अपना बता नहीं सकते। तो आप यहाँ पे जाइए अपना खुद का एपीआई की लीजिए और सर्च कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और आप कुछ भी सर्च कर सकते, जैसे कि अभी जैसे क्या हो गया, अभी हम सर्च कर सकते हैं यहाँ पे न्यूटन, अगर हमने यहाँ पे न्यूटन करके सर्च किया तो मुझे भी नहीं मालूम कि अभी क्या आंसर देगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डालता हूँ न्यूटन विकिपीडिया विकिपीडिया, तो शायद से मुझे फिर विकिपीडिया से आंसर मिल जाएगा। मुझे अभी यहाँ पे फाउंड नथिंग इसके लिए बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से अपना गलती से यहाँ से अपना एपीआई की हटा दिया है, और आपके केस में वो आंसर्स देगा। तो सर आइजैक न्यूटन वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट एस्ट्रोनॉमर थियोलॉजियन एंड ऑथर, वो सब कुछ थे। और ये मुझे बता भी रहा है कि सर्च रिजल्ट फॉर न्यूटन विकिपीडिया, यहाँ पे मैं कोलन भी डाल देता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये पूरा था हमारा बॉट जो कि आपको इसका पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। तो अभी सर्च रिजल्ट फॉर न्यूटन, अभी आप इसमें बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, आप इसे खुद भी एक्सप्लोर कीजिए क्या है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट व्हाट इज यूनिवर्स। तो हमने हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, हमने जो हमारा वेबसाइट है जो हमारा पाइथन का बॉट है हमने उसे वेबसाइट में डिप्लॉय किया, क्योंकि अभी हम जब भी हम लोग कुछ भी करते थे तो हमें उसका आंसर मिलता था इस बोरिंग से टर्मिनल में। टर्मिनल एक प्रोग्रामर के लिए तो अच्छा है, बट अभी हम ये नहीं चाहेंगे कि जो हमारे भी जितने भी यूजर्स हैं हम उसे उस टर्मिनल में आंसर्स दिखाएं। तो जाइए यहाँ पे मेरा एक और वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या आप ये इसको होस्ट कैसे कर सकते हैं और आप उसे सबके लिए अवेलेबल कैसे कर सकते हैं। तो आप जाइए इस उसको होस्ट कीजिए, लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ छोटा सा सर्च इंजन है जिसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप एक साइंस के हो तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन भी सर्च करूँगा तो शायद से आंसर देगा या नहीं देगा, क्योंकि मैंने एपीआई की हटा दिया है। और अभी मैं फिर से वीडियो पॉज करके फिर से ने डाल रहा हूँ एपीआई की, आप खुद का एपीआई की ले लीजिए वॉलफ्राम अल्फा से। तो ये बता दिया प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, और तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा था। तो ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल था उसका, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आया रहेगा इस वीडियो के इसमें तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी आप अगर आप इंडिया में है तो ऑब्वियसली आप ये हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप इंडिया से देख रहे होंगे, 21 डेज आप अंडर लॉकडाउन में, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, अपना टाइम पास कीजिए, इस पूरे के पूरे वीडियो को देखिए, इसे बनाइए खुद, इसमें अलग अलग फीचर्स ऐड कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसमें तो मैं इसमें गिट में मर्ज भी कर दूंगा अगर आपने कुछ अच्छा किया रहेगा, चेंजेस कीजिए मुझे बताइए। और आप इसे बहुत कुछ नया भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सर्च में कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं आप अपने कोड को, अगर यूज़र ने समझो अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर प्ले म्यूज़िक तो जो मेरा बॉट है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता है बट वो म्यूजिक्स जो सॉन्ग्स है वो प्ले नहीं कर सकता। तो अभी मैंने प्ले म्यूज़िक डाला तो ये मुझे गूगल प्ले म्यूज़िक के बारे में बताने लग गया। तो आप कीजिए कि अगर यूज़र ने प्ले म्यूज़िक डाला तो मैं उसके म्यूज़िक्स बजाऊँ खुद का, तो आप बहुत कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि कोडिंग इज आप इनफाइनाइट, आप जितने चाहे चेंजेस कर सकते हैं, बहुत कुछ नया करा सकते हैं, इसको कोई भी वो नहीं है। तो आप कीजिए, तो मैंने आपको एक बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी था ये प्रोजेक्ट जिसमें हमने एक छोटा सा वेब पेज बनाया जहाँ पे एक फॉर्म लिया जिसे हमने जांगो के मदद से उसे ले लिया और ये प्रोग्राम से हमने उसको उसका आंसर निकाला वॉलफ्राम अल्फा विकिपीडिया से और इससे हमने भेज दिया हमारे index.html में और यहाँ पे वो हमें उसका आंसर्स बताता है। तो आप इसका UI और अच्छा कर सकते हैं कि और अच्छे से दिखाए आंसर्स, चाहे तो आप वेबसाइट भी दिखा सकते हैं
कुछ तो आप कीजिए, कुछ तो कीजिए आप, कुछ ना कुछ नया नया इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको तो नीचे आपको सोर्स कोड वगैरह सब मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू ये वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। 149 हो गए शायद, एक कोई तो कर दे तो 150 पूरे हो जाएंगे। तो सब लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं उसका आंसर देता हूँ। अब कोई भी कमेंट में जिसने भी डाउट पूछा है, आप देखिए मैंने सबको आंसर किया है। अगर आपका कोई ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो मैं उस पर सेपरेट वीडियोज़ भी बनाऊँगा आपके लिए। तो चलिए गाइस, बाय, थैंक यू।